तो देखिए अभी सॉल्व करते हैं देखो स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3 x रेडिआई बोला है ना तो वो स्टैंडर्ड नोटेशन ही है r1 डेल्टा बाय s a है ना और ये कितना दिया 1 ठीक है ऐसे ही r2 हमारे पास होता है डेल्टा बाय s b ये हम लोग को दिया 2 r3 क्या होता है डेल्टा बाय s c ये हम लोग को पता लगाना है ना तो देखिए यहां से एस माइनस ए क्या आएगा एस माइनस ए इज इक्वल्स टू इन दोनों से डेल्टा ठीक है इन दोनों से एस माइनस बी क्या आएगा टू डेल्टा नहीं डेल्टा बाई टू सॉरी तो एस माइनस बी आ जाएगा डेल्टा बाई टू एंड यहां से आ जाएगा एस माइनस सी इज इक्वल्स टू डेल्टा r3 आर थ्री मान लीजिए है ना हम लोग को आर थ्री निकालना है तो अभी हम लोग को अगर ए बी सी की वैल्यू इंडिविजुअली चाहिए अगर मैं देखिए इन दोनों को ऐड करूँ ठीक है इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ मैं तो क्या आएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी इजिकल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा बाई टू मतलब वन प्लस वन बाय टू तो ये क्या आ जाएगा टू एस टू एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी की वैल्यू ना इजिकल्स टू थ्री डेल्टा बाई टू तो देखो एस माइनस s एस माइनस बी को ऐड किया तो सी आया ऐसे ही एस माइनस बी और एस माइनस सी को ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा और ये आ जाएगा डेल्टा कॉमन लेके वन बाय टू प्लस वन बाय आर थ्री ठीक है और ऐसे ही एस माइनस ए और एस माइनस सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इजिक्वल्स टू डेल्टा कॉमन लेके वन प्लस वन बाय आर थ्री है ना ये आया हमारे पास और यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ सी इजिक्वल्स टू थ्री डेल्टा बाई टू ये तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं है ना एक ए वाली एक ए ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है ना अभी देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही है ना ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं और उसमें बोला है, आर थ्री सबसे बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सी आएगा वो सबसे बड़ा होगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री बाय टू डेल्टा होल स्क्वायर

आर थ्री प्लस इसको ना स्क्वायर करने से पहले ऐसे मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आर थ्री प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर थ्री स्क्वायर ना ये अगर स्क्वायर से बाहर निकालो प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर थ्री प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर थ्री स्क्वायर राइट अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आर थ्री स्क्वायर को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन बाई फोर आर थ्री है ना तो नाइन बाई फोर आर थ्री स्क्वायर equals टू आर थ्री प्लस टू होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा आर इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं आर थ्री प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर है ना यहाँ पे फोर एलसीएम ले ले रहा हूँ फोर टाइम्स आर थ्री प्लस वन होल स्क्वायर यहाँ पे ये वाला फोर है तो ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हम लोग के पास देखिए क्या आया नाइन आर थ्री स्क्वायर equals टू अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं ना आर थ्री स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू इंटू टू फोर आर थ्री प्लस फोर टाइम्स आर थ्री स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर थ्री ठीक है क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फाइव टाइम्स आर थ्री इधर ले जाएंगे तो नाइन माइनस फाइव आ जाएगा फोर आर थ्री स्क्वायर ठीक है फिर आर थ्री का कोफिशंट देखिए यहाँ पे फोर है एंड यहाँ पे फोर टू एट है फोर प्लस एट ट्वेल्व मतलब इधर आ जाएगा तो माइनस ट्वेल्व आर थ्री ठीक है इजिक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा

होता है हमारा एट ठीक है तो ये हमारे पास कितना हुआ प्लस माइनस और 128 हो और हो जाएगा हमारा टू सेवन टू डिवाइडेड बाई एट अब इसको अगर फोर से कैंसिलेशन करें फोर थ्री ट्वेल्व फोर टू एट ठीक है और यहाँ पे टू सेवेंटी टू में से कितना आ जाएगा टू सेवेंटी फोर नहीं है टू है टू है ठीक तो है करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर है ना यहाँ पे आ जाएगा थ्री uh, बचेगा थर्टी टू फोर एट थर्टी टू फोर टू से करेंगे अगेन फोर से ही फोर से ही जाएगा फोर वन फोर और यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट मतलब सिक्स है ना फोर सिक्स तो क्या आ गया है यहाँ से तो टू सेवेंटी हमारे पास 17 into 16. तो 3 plus minus, इसको अगर सेवनटीन इंटू सिक्स लिखते हैं तो ये बाहर आके फोर हो जाएगा है ना तो फोर ये पूरा ऐसे ही कैंसिल हो गया तो थ्री प्लस माइनस रूट सेवनटीन बाई टू ये हमारा आंसर आएगा ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, गया ना ट्वेल्व प्लस माइनस रूट थ्री सेवनटी टू डिडेड बाई एट था यहाँ पे इसको मैंने लिखा थ्री टू को ट्वेल्व प्लस माइनस रूट सेवनटीन इंटू सिक्सटीन ये मैंने फैक्टराइजेशन करके देखा अभी है ना अब जैसे यहाँ पे फोर टूज़ किया यहाँ पे फोर थ्रीज़ और ये सिक्सटीन जब बाहर आएगा तो ये फोर ही होगा तो यहाँ पे एक कैंसिल कर दे थ्री प्लस माइनस रूट सेवनटीन बाई टू ये हमारा आया ठीक है तो अभी देखिए इसमें से अगर थ्री मा, जो माइनस वाला पा, पार्ट लेंगे ना थ्री माइनस रूट